हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसे कि मुझे बहुत सारे कमेंट्स मिल रहे थे रिगार्डिंग माय वॉइस, क्योंकि मैं माइक यूज नहीं करता हूँ, इस वजह से थोड़ा वॉइस लो होती है। तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना एक माइक लिया जाए, और साथ ही साथ आपको रिव्यू भी दे दूंगा कि मैंने कौन सा माइक लिया और कैसा है, ताकि जो भी नए चैनल बना रहे हैं, जो भी क्रिएटर्स हैं, उनके लिए स्पेसिफिक ये वीडियो है, ताकि वो भी चेक कर पाएँ और मेरे फीडबैक के बेसिस में वो भी प्लान कर पाए माइक लेने का। क्योंकि माइक जो है बहुत ही मतलब मेन चीज़ है जो आपको चाहिए होगी, ये मैंने अब जाके नोटिस किया, तो मैंने सोचा माइक जल्द से जल्द लिया जाए। और सेकेंड चीज़ मैं बता दूँ, मैं माइक कोई मतलब एक्सपेंसिव माइक नहीं लेने वाला हूँ। मैं स्टार्टिंग में एक छोटा सा माइक लूँगा जो कि काम कर सके, फिर लॉन्ग टर्म में मैं बाद में फिर प्लान करूँगा। तो मैं अभी आप लोग को ले चलता हूँ दुकान में और देता हूँ रिव्यू। चलिए, और हाँ, साथ ही साथ मैं एक और चीज़ आप लोग के लिए करूँगा, क्योंकि मैं देख रहा था काफ़ी जगह ना लोगों का वीडियोस भी चेक कर रहा था मैं, जब मैं यूट्यूब में स्टडी कर रहा था, तो मैंने देखा बहुत लोगों का ऐसा है क्वालिटी, वॉइस क्वालिटी बहुत ही पुअर होता है। तो मैं एक सॉफ्टवेयर से आपको रिव्यू भी दे दूँगी, क्या क्या सेटिंग्स और कैसे हमको यूज करना चाहिए ताकि हमारा वॉइस क्वालिटी इम्प्रूव कर सके, क्योंकि मेन चीज़ जो किसी वीडियो का पार्ट होता है वो होता है वॉइस। ठीक है, वो जितना अपना स्ट्रांग रहेगा उतना ही वीडियो आपका ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक पहुँचेगा। तो मेरे एंड से भी कुछ गैप थे, मैं उस पर काम किया, और मैं फिर आपके एंड से भी आप लोग को भी बताऊँगा कैसे हमको काम करना चाहिए। चलिए मिलते हैं। और मैं हूँ अभी जीरकपुर सिटी में, तो मैं जा रहा हूँ माइक लेने के लिए। और मैं आपको एक बार बता दूँ, मेरा पहला प्रेफरेंस जो है वो है वायरलेस माइक, क्योंकि वायर में थोड़ा इशू रहता है। बट मेरा उससे भी पहला प्रेफरेंस है कॉस्टिंग, तो जो मुझे सस्ता मिलेगा वही मैं लूँगा। चलिए चलते हैं। आ गए हम शॉप में और भैया ने मुझे ये वाला माइक दिखाया, तो मैं इसका रिव्यू आपको देता हूँ आगे। तो फाइनली मैंने माइक ले लिया है जो कि है डिजीटेक का, और क्वालिटी चेक ही कर रहा हूँ मैं। तो अभी तक तो काफ़ी अच्छा है रिस्पॉन्स है इसका, भैया भैया ने बताया मुझे, हम भी एक बार वेरीफाई करेंगे। तो फाइनली मैं आपको बता दूँ कि मैं इलेक्ट्रॉनिक शॉप में गया था और मैंने माइक ले लिया है, ये रहा मेरे हाथ में। तो चलिए अब हम इसको टेस्ट करेंगे कि इसकी आवाज़ कैसे आती है। और अभी तो नॉइस नहीं है मेरे आसपास, बट हल्का फुल्का है, चेक करते हैं। तो चलिए आपसे मैं मिलता हूँ। ये जो मैं ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये मैं विदाउट माइक रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और ये जो मैं ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये विथ माइक है जो मैंने नया लिया अभी। तो गाइस, जैसा आपने मेरी वीडियो में देख ही लिया होगा, मैंने नया डिजिटेक का माइक लिया है, और मैंने आपको डिफरेंस भी दिखाया था विद माइक एंड विदाउट माइक। तो आप खुद ही कंपेयर करके अपना पर्सनल डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। और ये मैं बात कर रहा हूँ क्रिएटर्स के लिए सिर्फ, और मेरे को सुझाव देने के लिए धन्यवाद, जिसके कारण मैं नया माइक ले पाया हूँ। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जो पार्ट टू होने वाला है, जिसमें आपको दिखाऊंगा कि और फर्दर हम कैसे सेटिंग चेंज कर सकते हैं ऐप के थ्रू, जिससे हम लोग की वॉइस और फिल्टर वे में और निखर निखर के सामने आएगी। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।